सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी 2 मई को 12:45 में 82 साल के शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई। 4 दिन पहले गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा है कि रोटी सही समय पर पलटनी, न पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस बयान पर अजीत पवार ने कहा है कि नए चेहरों को आगे लाना NCP महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सहयोगी। पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर NCP बनाई थी, उसके बाद से ही वे पार्टी के अध्यक्ष। पवार के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ता रोने लगे, उनसे फैसला वापस लेने की मांग करने लगे। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार की उम्र को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, वो सभी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे, अध्यक्ष नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो पार्टी में नहीं, आप भावुक ना हो, जो भी नया अध्यक्ष होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। वहीं शाम को अजीत पवार ने कहा, साहब अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को तैयार हो गए हैं, उन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा है। NCP की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक NCP के देश में अभी 9 सांसद हैं, इनमें लोकसभा के 5 और राज्यसभा के 4 मेंबर शामिल हैं। वहीं देश भर में पार्टी के 57 विधायक हैं, महाराष्ट्र में 54, केरल में 2 और गुजरात में 1 विधायक शामिल है। वहीं देश भर में पार्टी के 20 लाख कार्यकर्ता हैं। शरद पवार ने इस्तीफे में लिखा है कि मेरे साथियों, मैं NCP के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन में रिटायर नहीं हो रहा हूं। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है, मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में रहूं, आप लोगों के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा है, मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा, तो हम लोग मिलते रहेंगे, शुक्रिया। शरद पवार मुंबई के बाईबी सेंटर में मंगलवार को अपनी पॉलिटिकल बायोग्राफी लोक भूलभुलैया संगति का विमोचन कर रहे थे। इस किताब के पन्ना नंबर 319 पर उन्होंने लिखा, महाविकास अघाड़ी की सरकार सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, अन्य पार्टियों को दबाकर अन्य पार्टियों का महत्व किसी न किसी तरह से खत्म करके राजनीतिक वर्चस्व निर्माण करने वाली भाजपा को यह करारा जवाब था। महाविकास अघाड़ी की सरकार भाजपा को देश में मिली सबसे बड़ी चुनौती थी, यह सरकार अस्थिर करने का प्रयास होगा, इसकी कल्पना मुझे थी। हम हमारे लेवल पर इसे हैंडल करने में सक्षम थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने से शिवसेना में तूफान आएगा, इसका हमें अंदाजा नहीं था। यह असंतोष खत्म करने में शिवसेना नेतृत्व कम पड़ा, संघर्ष न करते हुए उद्धव जी के इस्तीफा देने के कारण महाविकास अघाड़ी की सत्ता को पूर्व विराम मिला। खबरी चौखट की रिपोर्ट।